धन्यवाद। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव की छठी पुण्यतिथि पर पौधारोपण का संकल्प दिलाने खरगोन जिले के बोरावा पहुंचे कंप्यूटर बाबा ने कहा कि हमें एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। शिवराज सरकार के शासनकाल में लगाए गए 7 करोड़ पौधों को लेकर उन्होंने कहा है कि पौधारोपण में हम फर्स्ट जरूर आएंगे, परंतु 7 करोड़ में से 1000 पौधे भी जीवित नहीं हैं और शिवराज सरकार में पौधारोपण में जो गड़बड़ी हुई है, मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री उसकी जाँच करे और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। नर्मदा में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन किसी भी हालत में नहीं होने देंगे और जो शिवराज सरकार में जो अवैध उत्खनन पनपा था उसको रोकने में समय जरूर लगेगा, पर अब 5 साल में किसी भी नदी में अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे, इसका मैं वादा करता हूँ। इस मौके पर कंप्यूटर बाबा के साथ स्वर्गीय सुभाष यादव के दोनों पुत्र पूर्व PCC अध्यक्ष अरुण यादव और कैबिनेट मंत्री सचिन यादव भी मौजूद थे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आज आपने संकल्प दिलाया है पौधारोपण का सुभाष यादव जी की पुण्यतिथि, किस प्रकार का संकल्प रहेगा? ये सच्ची श्रद्धांजलि का संकल्प रहेगा। हम सब मिलकर के, चाहे संत हों, चाहे भक्त हों, चाहे माताएं बहन हों, सब मिलकर के एक पौधा लगाएंगे। आज यहाँ संकल्प लिया है और सबसे कहा है सभी एक पौधा लगाएं और यही ब्रह्मलीन सुभाष यादव की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैंने भी एक पौधा लेके मैं जा रहा हूँ और खरगोन में लगाऊंगा और उसे हर महीने उसको देखने के लिए, उसको पानी की व्यवस्था, उसकी सब की व्यवस्था के लिए भी मैं पूरे रूप से सचेत रहूँगा। नर्मदा बचाओ आपने, देखिए नर्मदा के लिए, नर्मदा कैसे बचे उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पूरे तत्पर हैं और उसके तहत हम लोग पूरे गाँव जा रहे हैं, नर्मदा के किनारे पट्टियों में जा रहे हैं, दोनों पट्टी में हरियाली रहे, पेड़ पौधे कहाँ लगे उसकी तैयारी है और उसके साथ में जो अवैध खनन हो रहा है, जो हम लोग को एक नंबर हमने दिया है नर्मदा का जो नंबर हमारा होगा वो हमें जानकारी देगा, उसका नंबर है 1800 120 106 106, वो हमें जानकारी देता है, उसके तहत हम लोग जानकारी भी लेते हैं। नर्मदा को यदि बचाना है तो हमें सब मिलकर के, सरकार भी और जनता जनार्दन भी, गांव के लोग भी, सब मिलकर के नर्मदा को बचाने के लिए एक्शन पे होना पड़ेगा, सबको जिम्मेदारी संभालना पड़ेगी। पिछली सरकार द्वारा पौधे लगा दिए गए, उनकी जांच होगी जो नर्मदा? देखिए मैं पौधे को देख रहा हूँ, अभी मेरे करीब 6 जिले हुए हैं और भी जिले हो रहे हैं, करोड़ों पौधा के नाम से, कॉम्पिटिशन के नाम से फर्स्ट तो आ गए कि पूरे देश में इतने 700 करोड़ पौधा लगाए हैं, परंतु जब जमीन पर धरातल पर देखा तो पौधे 1,000 भी नहीं दिख रहे हैं, सारे पौधे मर गए हैं, आज तक देखा नहीं। तो कमलनाथ सरकार भले चाहे 10 लाख पौधे लगाएगी, 25 लाख पौधे लगाएगी, एक निश्चित करेगी पौधे लगाने का, पर जितने लगाएगी उतने जिंदा रहेंगे। मैंने देखा है शिवराज सरकार में पौधे में जो गड़बड़ी हुई है, मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इसकी जाँच कराएँ और दोषियों को सजा दें, साथ में अवैध खनन किसी हालत में मध्य प्रदेश में तो नहीं होगा। जो पनपा था शिवराज सरकार में वो इतना ज़्यादा पनप गया था कि हमें उसे रोकने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर इस 5 साल में कहीं किसी नदी के, किसी भी नदी के किनारे में या रेत अवैध खनन नहीं हो पाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। अधिकारियों का काम आप कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, जबलपुर सहित आसपास के इलाकों में, क्या कारण? देखिए अधिकारियों का काम अधिकारी करते हैं, हमारा काम है कि नर्मदा की पट्टी में पौधा लगाना और नर्मदा को बचाने के देखना, यदि हमें कहीं मिलता है कि अवैध खनन करते हुए तो उसे हम लोग पकड़ते भी हैं और संबंधित अधिकारी के सौंप देते हैं, वो उस पर कार्रवाई करते हैं। सरकार पूर्ण रूप से नर्मदा को बचाने के लिए एक आयोग ही गठित कर दिया है, इसलिए नर्मदा को बचाने के लिए पूर्ण जिम्मेदारी हम लोग सब मिलकर के, चाहे संत वृंद हों, चाहे जनता जनार्दन हो, सब मिलकर कर रही है और जिला प्रशासन भी पूरे एक्शन मूड में है कि किसी हालत पर नर्मदा में अवैध खनन, चाहे नदियों में भी जो सहायक नदियां उनमें अवैध खनन नहीं होगा तो नहीं होगा। मंत्रालय में कमरा भी मांगा है आपने, वो तो सिस्टम में है, इसके पहले भी सरकारों में जो आयोग होते थे, न्यास होते थे, उनके कक्ष हैं, तो उसी के तहत हमारा भी कक्ष होगा।